सो वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से हम यहाँ पे हमने इसके पहले जो चैप्टर देखा था वो क्या था, पावर एंड एक्सपोनेंट, और उसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे सम किए थे। तो इस बार हम जो नेक्स्ट चैप्टर जो ले रहे हैं वो है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो आज जो नया चैप्टर है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो ये जो आपने सुना अभी, ये तो कोई नया वर्ड है नहीं, आप इसके बारे में पहले से जानते हो स्क्वायर क्या होता है एंड स्क्वायर रूट्स क्या होता है, क्योंकि हमने पावर एंड एक्सपोनेंट में भी कुछ डिस्कस किया था थोड़ा सा, ठीक है। तो स्क्वायर क्या होता है, अगर चाहे तो हम स्क्वायर किसको बोलते हैं, जैसे कि कोई नंबर है, जैसे कि हमने ए एक नंबर ले लिया, कोई वेरिएबल, उसको फिर से उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या यहाँ पे कितना पावर है, वन, और यहाँ कितना पावर है, वन। तो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो क्या होगा, ये ए टू द पावर वन प्लस वन कितना मिलेगा, ए टू द पावर टू। और इसी को हम क्या पढ़ते हैं, इसी को क्या पढ़ते हैं हम, ए स्क्वायर, क्या पढ़ते हैं हम इसे, ए स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर तो कोई नया वर्ड है नहीं, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। तो जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलता है, हमें स्क्वायर मिल जाता है उसी नंबर का। हम ए को ए से मल्टीप्लाई किए, ए पे पावर कुछ नहीं तो कितना है, वन, और उस पर भी पावर कितना होगा, वन, बेस सेम था, पावर ऐड हो गया, मिला क्या हमें, ए स्क्वायर मिल गया। क्या पढ़े हम इसको, ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका अगर हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, कैसे लिखेंगे, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉल्ड स्क्वायर ऑफ द नंबर, स्क्वायर या ऑफ दैट नंबर, ठीक है, द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या देखा, व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। तो ये हमारा क्या था, स्क्वायर का डेफिनेशन था, और स्क्वायर का क्या एग्जैक्ट मीनिंग होता है हमने उसके बारे में अभी देखा। जैसे कि अब एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, थ्री का स्क्वायर क्या होता है, तो थ्री का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, थ्री को कितनी बार मल्टीप्लाई किया हमने, दो टाइम, और मिला क्या हमें, नाइन मिल गया, ठीक है। तो थ्री का स्क्वायर कितना मिल रहा है हमें, नाइन। तो स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम कोई भी हम स्क्वायर, किसी नंबर का भी हम स्क्वायर करें, वो हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, स्क्वायर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देता। आप किसी भी, आप निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे थ्री का स्क्वायर कितना लिखा, नाइन, और उसी तरह हम परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे, जैसे कि हमने अभी स्क्वायर देखा उसी तरह परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे। इसके लिए एक पॉइंट हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया यहाँ तक। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना हमें, द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्या हम बोल रहे हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात हमने क्यों बोली, द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का साइन है, प्लस दिया हमने और यहाँ भी लिखा है पॉजिटिव, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे हमने पॉजिटिव बोला, जैसे कि अब हम टू का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है हमें, फोर मिल जाता है। अब टू की जगह हम माइनस टू ले रहे हैं, ठीक है, माइनस टू का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस टू इंटू माइनस टू, क्या मिलता है, पहले साइन का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद टू टू जा फोर। तो
पॉजिटिव का स्क्वायर करो तो भी पॉजिटिव मिलता है, नेगेटिव का स्क्वायर करो तो भी क्या मिलता है, पॉजिटिव। मतलब इससे क्या पता चलता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव ही होता है, वो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इस पॉइंट को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने यहां तक क्या देख लिया, स्क्वायर हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं कुछ दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है परफेक्ट स्क्वायर। दूसरा जो पॉइंट क्या है हमारा, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है वो देखिए। हाँ, अननेचुरल नंबर हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर ही बोल रहे हैं। अननेचुरल नंबर वो बाद में पता चलेगा क्यों हम नेचुरल नंबर बोल रहे हैं, है ना। तो अननेचुरल नंबर इट सेड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज सेड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इफ अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ अनदर नेचुरल नंबर, इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ अनदर नेचुरल नंबर। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर में हमने नेचुरल नंबर का वर्ड यूज किया है। तो हमने नेचुरल नंबर का वर्ड क्यों यूज किया, अब जैसे कि यहाँ पे 7 हम लेते हैं, हमने 7 लिया, तो 7 क्या है, ये नेचुरल नंबर है। तो उसने क्या बोला है, नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ अनदर नेचुरल नंबर। तो 7 देखिए, तो 7 किसी का स्क्वायर होता है क्या, किसका स्क्वायर 7 होता है, वो तो फ्रैक्शन में आ जाएगा जब हम फाइंड करेंगे तो। और वही हम अगर 9 लिखते हैं तो 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका, 3 का परफेक्ट स्क्वायर, और 3 भी क्या है, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, उसने क्या बोला था, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कौन है, वो 9 इज सेड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब 9 को हम परफेक्ट स्क्वायर बोल रहे हैं, कब बोलेंगे, इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ अनदर नेचुरल नंबर, मतलब अगर वो दूसरे नेचुरल नंबर के स्क्वायर के इक्वल है तब हम उसको क्या बोलते हैं, 9 को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। मतलब यहाँ 3 क्या दिख रहा है, वो अनदर नेचुरल नंबर होगा, उसका स्क्वायर क्या मिल रहा है, दूसरा नेचुरल नंबर मिल रहा है, इसका मतलब 9 क्या हो गया, हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो ये हम हमारा एग्जांपल है ना, ये हमने एग्जांपल दिया यहाँ पे। उसके बाद उसी तरह आप 16 को ले सकते हो, तो 16 एक नेचुरल नंबर है और वो किसका स्क्वायर है, 4 का, अनदर नेचुरल नंबर जो है 4 का स्क्वायर है। तो ये जितने भी दिख रहे हैं, तो 9 16 ये सारे क्या है, हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। खुद 4 भी एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये किसका स्क्वायर है, दूसरा नेचुरल नंबर 2 का स्क्वायर है। तो हमारा 4 क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे हमने लिख दिया, ये क्या हमारा परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हो गए, है ना, एक्सेट्रा। तो ये हमारा क्या था, परफेक्ट स्क्वायर। तो अभी हमने क्या क्या देखा, स्क्वायर के बारे में देखा, और उसके बाद क्या देखा हमने, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में देखा। तो कुछ परफेक्ट स्क्वायर को हमें लर्न ही कर लेना चाहिए, तो हम एक टेबल बना देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखेंगे और याद रखेंगे उस परफेक्ट स्क्वायर को। कम से कम 30 तक तो परफेक्ट स्क्वायर हमें लर्न ही रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना, 9, 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है,
9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 10 का स्क्वायर 100 है ना, उसी तरह 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, हमें ये लर्न रहना चाहिए। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का उसी तरह 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, ठीक है, यहां तक हमने लिख लिया। आगे 26 का स्क्वायर क्या होता है 676, 27 का स्क्वायर 729, उसी तरह 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 861 एंड 30 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 900। तो मिनिमम 30 तक तो हमें लर्न ही रहना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया परफेक्ट स्क्वायर थे जिसको हमने वहां पे लिख लिया, ठीक है। 28 का स्क्वायर 29 का हमने गलत लिखा क्या, हाँ 841 होता है 841। और कुछ सही है 26 का 676। तो ये कुछ हमने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर दिए हैं एक टेबल के फॉर्म में जो कि हमें लर्न ही रहना चाहिए, है ना। यहाँ से अगर हम ये लर्न कर लिए तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, हमें पता चलेगा कि हाँ किसका स्क्वायर रूट कौन सा है ये भी पता चलेगा। तो 30 तक हमने स्क्वायर देख लिए, 30 तक जो नेचुरल नंबर थे उसके स्क्वायर देख लिए हमने। तो इसको आप देख के कुछ ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व क्या करोगे कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है तो उसके यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर नहीं होते हैं, है ना, उसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 ये नंबर कभी नहीं आपको मिलेंगे। कहीं दिख रहा है देखिए तो 2, 3, 7 और 8 दिख रहा है, 2, 3, 7 और 8 दिख रहा है कहीं, ये गलत लिखा है हमने 4, ठीक है। तो 2, 3, 7 और 8 कहां दिख रहा है, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, देखो इधर 2, 3, 7, 8 नहीं दिख रहा है यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे कहीं भी 2, 3, 7 और 8 नहीं दिखेगा। तो ये जो नेचुरल नंबर का हमने जो स्क्वायर लिखा है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके यूनिट प्लेस पे कभी भी 2, 3, 7 और 8 जो है कभी नहीं दिखेगी। तो हम वहां पे नोट्स में वहां पे लिख देते हैं, नोट्स में क्या लिखेंगे, फॉर अ नंबर टू बी परफेक्ट स्क्वायर इट शुड नॉट हैव, नोट्स में यहाँ पे क्या लिखेंगे, नोट्स फॉर अ नंबर टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर इट शुड नॉट हैव 2, 3, 7 और 8 एट इट्स यूनिट प्लेस, एट इट्स यूनिट प्लेस, ठीक है बच्चों। तो किसी भी नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके यूनिट प्लेस पे कभी भी ये नंबर नहीं दिखेगा 2, 3, 7 और 8। ऑल्सो नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इट एंड्स विथ
ऑड नंबर ऑफ जीरोज। एक नोट्स और उसमें उसी में एक पॉइंट और दिया है, एक पॉइंट और भी उस पर ध्यान दे लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट क्या बोला है उसने, ऑल्सो अ नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो अ नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अ नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आपके नोट्स में वो लिखा हुआ है लेकिन उसको समझना बहुत जरूरी है। अ नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एक नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर कब नहीं होगा, जब उसके इन में ऑड नंबर ऑफ जीरोज होगा। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट एंड्स विथ ऑड नंबर ऑफ, इफ इट एंड्स विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोज। द एंड, ठीक है। तो हमने वहां पे जो नोट्स लिखा है उसको कैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे वो देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल हम इसको हम इरेज कर रहे हैं। तो फॉर अ नंबर टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर इट शुड नॉट हैव 2, 3, 7 और 8, ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब जैसे कि कोई बोल देगा कि 28 ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या दिख रहा है, 8, 8 रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नो, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसको डायरेक्टली लिख देंगे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह कोई बोल देगा 723, तो क्या दिख रहा है यूनिट प्लेस पे, क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ये भी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हमारा पहला पॉइंट बोलता है बच्चों, 28 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 723 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारा पहला पॉइंट बोलता है, यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 और 8 दिखेगा मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, ऑल्सो नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और कैसा नंबर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि कोई लिख देगा 1000, ये नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 3 नंबर ऑफ जीरोज है, मतलब 3 क्या है, ऑड नंबर है ना। तो नंबर ऑफ जीरोज इज नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, 3 है यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरो कितने दिख रहे हैं, 1, 2, 3, और ये क्या है, ऑड, ऑड है ये, 3 क्या है, ऑड नंबर है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उसको हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब 1000 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर वही कोई बोलता है 10000, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 0, 4 क्या है हमारा, 4 इवन नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 4 नंबर ऑफ जीरो होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। वही अगर 1 लाख लिखते हैं तो कितना होता है, 3 + 2 5, 5 नंबर ऑफ जीरो, तो मतलब 5 क्या है हमारा, ऑड नंबर है, 5 ऑड होगा तो क्या होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को हम ध्यान में लेते हुए इस पॉइंट को है ना देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, अभी हमने देख लिया कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, कब होता है, और मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नंबर कैसे बोलेंगे हम, वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो यहां तक तो हमने क्या देखा, सिर्फ स्क्वायर्स के बारे में देखा। अब हम आते हैं दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, स्क्वायर रूट्स पे आते हैं कि स्क्वायर रूट्स एक्चुअली में होता क्या है। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं यहाँ पे। ये 28 था, ठीक है। अब आते हैं हम स्क्वायर रूट्स पे, तो स्क्वायर रूट्स क्या होता है वो देखेंगे। स्क्वायर रूट्स, ठीक है।
हम एक पावर एंड एक्सपोनेंट में एक ये बताया था ऐसा कुछ करके, एक्स टू द पावर एन इक्वल टू ए बताया था, तो एन उधर जाता था तो क्या बन जाता था, एक्स इक्वल टू ए टू द पावर वन अपॉन एन, ऐसा करके कुछ बताया था। और याद कीजिए कुछ, है ना, इसके पहले आप लेक्चर देख चुके हैं तो ये याद आ रहा होगा। और जो एन रहता है उसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, ये साइन दिया और यहाँ पे अंदर ए, इसको रेडिकल साइन, इसको रेडिकल बोलते थे, ये क्या हमारा ऑर्डर। तो सेम स्क्वायर रूट में भी वैसा ही है, अगर किसी भी रेडिकल साइन पे ऑर्डर अगर टू दिखे तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। ऑर्डर टू मतलब वो क्या है, स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, एन, एन अगर टू हो गया तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वही डिस्कस कर रहे हैं स्क्वायर रूट के बारे में। जैसे कि अब उधर मैं इरेज कर देता हूँ ये पॉइंट, अब जैसे कोई यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, है ना, ये थोड़ा ट्रिकी चीजें हो जाती है यहाँ से, है ना, हमें समझ में नहीं आती है यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या लिखा वहां पे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, तो अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब अगर ये उधर गया तो एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा, यहाँ पे फोर और यहाँ कुछ नहीं तो टू, हम ये टू लिखे या नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, हम चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट फोर। तो अगर कोई एक्स की वैल्यू पूछता है कि एक्स के वैल्यू कितने होंगे, ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना होगा, वो अगर कोई पूछता है तो हम क्या लिखेंगे कि एक्स का वैल्यू कौन कौन सा होगा, प्लस टू होगा और क्या होगा, माइनस टू होगा, क्योंकि प्लस टू का भी स्क्वायर क्या होता है बच्चों, फोर मिलता है हमें, और माइनस टू का भी स्क्वायर क्या होता है, फोर। मतलब ये दोनों जो वैल्यू है एक्स का वो इस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर एक्स की जगह प्लस टू भी रखेंगे तो फोर मिलेगा, एक्स की जगह माइनस टू भी रखेंगे तो भी क्या मिलेगा, हमें फोर ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना होता है कि अगर कोई बोलता है कि एक्स की वैल्यू बताओ, मतलब कितने वैल्यूज होंगे एक्स के, तो हम वहां पे कितने बोलेंगे, दो वैल्यूज होंगे, कौन कौन से, प्लस टू और माइनस टू, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्लस टू हो सकता है और क्या हो सकता है, माइनस टू हो सकता है। लेकिन अगर कोई स्क्वायर रूट का वैल्यू पूछता है तब वहां पे प्लस टू और माइनस टू नहीं लिखना है, इस चीज को हमेशा हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, प्लस माइनस टू, इसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से, प्लस माइनस टू, एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस टू, ये इस कंडीशन में ही हम लिखेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर कोई पूछता है कि स्क्वायर रूट ऑफ फोर क्या होता है, अगर कोई पूछेगा स्क्वायर रूट ऑफ फोर, अगर कोई पूछ लिया स्क्वायर रूट ऑफ फोर का वैल्यू बताओ, तब हम प्लस माइनस टू नहीं लिखेंगे, ठीक है, तब हम प्लस माइनस टू नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहां पे लिख देंगे रूट इज, यहां पे लिख देता हूं स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है बच्चों, पॉजिटिव। स्क्वायर रूट का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है, ठीक है। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ फोर कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ फोर, अगर कोई सिर्फ पूछता है स्क्वायर रूट ऑफ फोर तो आप क्या बोलोगे, टू बोलना है, प्लस माइनस टू नहीं बोलना है, ठीक है। प्लस माइनस टू किस कंडीशन में, जब कोई वेरिएबल की वैल्यू पूछेगा तब हम प्लस माइनस टू बोलेंगे कि हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है उसको, ठीक है बच्चों। तो स्क्वायर रूट ऑफ फोर कितना होगा, आप क्या बोलोगे, टू बोलोगे, प्लस टू बोलोगे, ठीक है। हम यहाँ सिर्फ पॉजिटिव ही देखेंगे और निगेटिव का अभी नहीं देखेंगे, हम निगेटिव स्क्वायर रूट यहाँ देखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो उसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ नाइन कितना होगा, थ्री, ठीक है। उसी तरह कोई पूछता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तब क्या बोलोगे आप, एक्स बोलोगे, ठीक है, क्या बोलोगे, एक्स बोलोगे। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर क्या बोलोगे, ए बोलोगे, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का अपोजिट होता है, वो एक दूसरे को क्या करता है बच्चों, कैंसिल करता है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं ये, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे का अपोजिट होता है, वो एक दूसरे को कैंसिल करके बचता क्या है, ए, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, और मिलता क्या है हमें, ए मिलता है। तो ये हमारा स्क्वायर और स्क्वायर रूट का रिलेशन हुआ। अगर आप इस चीज को बहुत बारीकी से समझ रहे हो तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है।
आपको ध्यान से देखना है, जो स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर जो है वो एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 लिखा हमने, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 लिखा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर क्या होगा, x, क्योंकि होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, मिला क्या हमें x, उसी तरह यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने देख लिया स्क्वायर और स्क्वायर रूट में थोड़ा सा जो रिलेशन क्या था प्लस माइनस का। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान में रखें, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो यहां तक तो हमने क्या क्या देख लिया, स्क्वायर देख लिया, स्क्वायर रूट देख लिया। अब हम आगे आते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, वो देखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है उसको फाइंड करने के लिए कुछ मेथड्स दिए गए हैं, है ना, जो बेसिक मेथड है हम उसको देखेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, किसका, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो जनरली ये जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड करने के लिए दो मेथड बताए गए हैं, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए देयर आर टू बेसिक मेथड्स, है ना, सर टू मेथड्स भी लिखे तो चले, ठीक है ना, देयर आर टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, फॉर फाइंडिंग परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए दो मेथड दिए गए हैं, उसको हम देखेंगे। तो पहला जो मेथड है बच्चों, पहला जो हमारा मेथड है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हम पहले भी सीख चुके हैं, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमारा पहला मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड लॉन्ग डिविजन मेथड, क्या है बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो ये हमारा दो मेथड। तो पहले जो हम स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे पहला क्या आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये दो मेथड जो हम एक एक करके दोनों को एग्जाम्पल के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम चलते हैं किस पे, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे ही चलते हैं हम आज। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताता हूँ यहाँ पे। तो हमारा जो आज पहला मेथड है वो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये मेथड तो लगभग लोगों को पता ही होगा, है ना, क्योंकि हम ये मेथड लगभग उसमें डिस्कस किया था, क्या बोलते हैं, पावर एंड एक्सपोनेंट जो चैप्टर हुआ इसके पहले, उसमें भी हमने ये मेथड डिस्कस किया था। तो फिर से एक बार फिर से देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, अगर कोई बड़ा नंबर दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम हमेशा क्या यूज करते हैं, प्राइम नंबर की यूज करते हैं, हमने ये कल भी बताया था आपको। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, है ना, प्राइम नंबर जो 2 से हमने लिया, 2 3 5 7 ये जितने भी हैं, है ना, उसका यूज करेंगे हम। तो
हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अगर कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे कि कोई परफेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा लें, परफेक्ट स्क्वायर 625 ले लेते, ठीक है 625। अब कोई बोल दिया कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो, मतलब ऐसा साइन दे दिया और बोल रहा है कि इसका वैल्यू फाइंड करो कि कैसे क्या होगा इसका स्क्वायर रूट। तो जब भी इस तरह से कुछ दिया हुआ हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 625 को यहाँ पे ऐसे लिख लिया, इस तरह का डिवीजन का साइन दिया। और सबसे पहले आप किससे कोशिश करोगे, सबसे पहले 2 से कोशिश करोगे आप, तो 2 से देखिए तो कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 2 से अगर नहीं होगा तो किससे कोशिश करेंगे, 3 से, 3 से नहीं होगा तो 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 5, 5 से करेंगे, 5 से करते हैं तो कितना होता है, डिवाइड किया हमने 125 मिला, फिर 5 से हमने डिवाइड किया फिर कितना मिला 25, फिर 5 से डिवाइड किया 5 मिल गया, फिर 5 से डिवाइड किया कितना मिल गया 1 मिल गया। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। इतना करने के बाद इस साइन को हम वैसे ही लिखेंगे, ठीक है, और कैसे कैसे लिख देंगे 625 को, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और फिर मल्टीप्लाई 5, मतलब कितने 5 दिख रहे हैं, 3 एक 4 5 दिख रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 2, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है स्क्वायर रूट पे, कुछ नहीं तो क्या होता है 2। 2 क्या डिनोट करता है कि अंदर जो दो नंबर होगा बाहर आएगा तो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, एक में कन्वर्ट होगा, यहाँ जितना होगा वो वही डिनोट करेगा कि अगर चार, अगर यहाँ पे ऑर्डर 4 है तो अंदर 4 नंबर होंगे तो बाहर आएंगे तो कितने में, एक में, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है 2, तो हम कितने का पेयर बनाएंगे, है ना, पेयर बना लिया हमने 5 का। अब देखिए ये 2 है जिसके कारण दो नंबर बाहर आएगा तो कितने में कन्वर्ट होगा, एक में, तो जब ये बाहर आएगा तो कितने में 5, और साइन हमेशा मल्टीप्लाई की ही होगी, फिर से ये भी आ गया 5, तो इक्वल टू कितना 5 5 25। अब 25 को दो बार मल्टीप्लाई करो, फिर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा, कितना मिलेगा 625, ठीक है, तो 25 को दो बार मल्टीप्लाई करके देख लो 625 मिलता है, 25 125 फिर कितना 55 26 मिल रहा है, देखिए तो हो रहा है, तो रूट अंडर रूट 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही करते हैं, ठीक है, और इससे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो ऐसे ही कुछ और दिए हुए हैं जिसको आपको खुद से करना है, ठीक है, तो इस तरह से हमने एक एक एग्जांपल लिया है, अभी वैसे ही दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। दूसरा जो एग्जाम्पल है आपके नोट्स का ही लेता हूं मैं, एग्जाम्पल क्या है, 9408, अच्छा 3136 का लेता हूं, क्या है 3136, इसका वो स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं, यहाँ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये बताओ हमें करके, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप फिर से वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, क्या किया था, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 2 से, 2 से नहीं हुआ तो 3 से, 3 से नहीं हुआ तो 5 से, 5 से नहीं हुआ तो 7 से, ऐसे ही जब तक नहीं होगा तब तक हम करते जाएंगे। तो 3 1 क्या है, 3136, तो 3136 हमने यहाँ पे लिखा 3136, यहाँ पे इस तरह का साइन दिया, देखिए तो 2 से कैंसिल होता है, ये 2 से होता है, डिवाइड करके देखें 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16, तो 2 से तो हो गया, फिर से 2 से ट्राई करते हैं क्योंकि लास्ट में क्या दिख रहा है, इवन नंबर दिख रहा है, मतलब 2 से कैंसिल होगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 2 से होगा, 2 से कितना 2 3 जा 6, फिर 2 9 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा, फिर 2 से 2 9 जा 18, 2 8 जा, फिर 2 से 49। अब 2 से नहीं होता है, 3 से भी नहीं होता है, 5 से भी नहीं होता है, अब किससे होता है, 7 से होता है, तो 7 से करेंगे, 7 7 जा कितना 49, 7 1 जा 7। तो फिर से कैसे लिखेंगे बच्चों इसको, हमने इस तरह का साइन दिया, अब जितने भी इधर दिख रहे हैं कितने दिख रहे हैं, थोड़ा और इधर लेता हूं मैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ 2 दिख रहे हैं यहाँ पे, 3 2 5, हाँ, और फिर क्या दिख रहा है, 7 मल्टीप्लाई 7, 1 2 3, हाँ 6 है 7 भी है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 यहाँ पे, 2 फिर से, 2 फिर से, 2 यहाँ पे, कुछ नहीं तो कितना 2 होता है, ये बाहर आएगा तो कितना मिलेगा हमें 2, फिर ये भी बाहर है तो मल्टीप्लाई साइन के साथ 2,
फिर ये भी 12 है तो मल्टीप्लाई साइन के साथ 2, फिर ये भी 12 है तो कितना 7। अब इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 7 जा 56, मतलब 3136 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3136 का 56। तो इस तरह से ही प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं, इस मेथड को हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो अभी तो बस इतना ही, है ना। फिर हम अगले लेक्चर में देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे वहां पे, ठीक है।